होके लेटो, सीधे होके, सीधे 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 इब्राहिम बिग बॉय है कि स्मॉल बॉय है? स्मॉल बॉय है। बिग बॉय नहीं है, बिग बॉय नहीं है, बिग बॉय नहीं है। ये स्मॉल बॉय लूँ। आप भी बिया। गाना तो सुना था। पता लग गया सुनाना क्या? दिख 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 अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली आई एम बैक विद माय टूटा पूटा ईद का व्लॉग। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आई नो कि ईद का व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही रैंडम सा व्लॉग बना था, तो बस मुझे लग रहा था कि शेयर नहीं करना चाहिए, और कभी लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, तो फाइनली मैं शेयर कर रही हूँ। अब आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाना है अपना। ईद वाले दिन तकरीबन 12 बजे हम लोग उठ गए थे। उठकर सबसे पहले मैंने इब्राहिम को रेडी कर दिया, फिर खुद रेडी हुई और फिर पिक्चर्स वगैरह बनाई, ढेर सारी वीडियोज़ बनाई ताकि मैं ये सारी वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट 2-3 शॉर्ट्स नहीं ना देखी तो वो वीडियोज़ काइंडली जाकर देख लें, उस पर है, इब्राहिम की वीडियो भी है और मेरी भी है। फिर उसके बाद जी तैयार शहर होके हम लोग निकल पड़े, और पहले मैं गई मामा की तरफ, वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट किया। हालांकि लंच का टाइम था लेकिन हमारा तो वो ब्रेकफास्ट ही था ना। उसके बाद जी मामा के घर के बाद हम लोग निकल पड़े माताब की ताई अम्मी के घर। हमारी तरफ ईद पर यही रिचुअल होता है कि फ़र्स्ट डे हम लोग जाते हैं माताब की ताई अम्मी की तरफ और सेकेंड डे हम लोग जाते हैं उसकी नानों की तरफ। तो इस बार भी हम ये अपनी परंपरा पूरी कर रहे थे और हम लोग जा रहे थे उसकी ताई अम्मी की तरफ। इस वक्त कोई तकरीबन 3 बज रहे थे दिन के, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने नया मेकअप बाय किया था ना वो बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा निकला। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था लेकिन उसने इस गर्मी में ना मेरा साथ दिया, मतलब उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वो मेरे मुँह पर टिका रहा और बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा। आप लोग के साथ इंशाल्लाह किसी दिन मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी जैसे पहले करती होती थी, तो उसमें वो सारी चीज़ें यूज़ करूँगी, फिर आप लोग को ना उन सारी चीज़ों की डिटेल भी बताऊँगी। इब्राहिम को इस पॉइंट पर फुल नींद आई हुई थी, वो तो रास्ते में सो भी गया था, बस अब वो सोने वाला ही है। आप लोग बताएं जी, आप लोग की ईद कैसी गुजरी? आप लोग घरों में ही रहते हैं या हमारी तरह आप लोग भी फिरते रहते हैं ईद वाले दिन और उससे नेक्स्ट डे? हमारे तो दिन इसी तरह गुजरते हैं, छुट्टियाँ इसी तरह गुजरती हैं, बस कभी किसी के घर जाके कभी किसी के घर जाके। तो बस यहाँ पर देखें महताब को भी नींद आ रही थी और मुझे भी आ रही थी, क्योंकि रात को इतनी लेट सोए थे ना, 2 बजे तक इब्राहिम इस तरह जागता रहा था जैसे इसका तो दिन चढ़ा होता है ना, मतलब फुल एक्टिव था। 2 बजे इसे कहा कि इब्राहिम नीनो टाइम हो गया, तो कहता है आप सो जाओ, मतलब इसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद जी ये ताई अम्मी के घर का मैंने 1-2 क्लिप्स बना लिए थे। यहाँ पर इब्राहिम आकर इतना खुश होता है, इतना खुश होता है क्योंकि उसे बच्चे मिल जाते हैं खेलने के लिए, और बस वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है इधर आके। अब भी वो काफ़ी दफ़ा कह चुका है ईद के बाद भी कि ताई अम्मी के घर जाना है, ताई अम्मी के घर जाना है। अच्छा, उसके बाद आ गए थे हम माताब की खाला के घर, और यहाँ पर आकर ना मैंने इब्राहिम को उसका ये टॉय दे दिया था जो कि मैंने उसके लिए गिफ्ट मंगवा के रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि ईदी उसे मैंने पैसे तो देने नहीं, उसे पैसे तो अभी चाहिए नहीं, तो मैं उसके लिए ना कोई टॉय मंगवा के रख लेती हूँ। तो बस मैंने उसके लिए ये सिंक ऑर्डर किया था, किड्स के लिए जो होता है, आप लोग दराज पे लिखेंगे ना तो आराम से आ जाता है, मैंने दराज से ही ऑर्डर किया था। और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बच्चा इसके साथ काफ़ी देर तक लगा रहता है, मतलब है तो गर्ल्स का लेकिन बॉयज़ भी काफ़ी देर तक इसके साथ खेलते रहते हैं, और इब्राहिम ने बहुत इंजॉय किया, इसे बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जी इब्राहिम ने रिफ्यूज़ कर दिया हमारे साथ वापस घर आने पर, उसने कहा कि मैंने अपनी अम्मा के साथ जाना है उनकी गाड़ी पर। तो बस हम लोग अब वापस घर आ रहे थे, या इस पॉइंट पर मैं मुंह शू धो चुकी थी उधर खाला के घर ही, और बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा थक गई थी नींद की वजह से और मेकअप की वजह से। फिर उसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, हम अपना नेक्स्ट डे वाला रिचुअल पूरा करने के लिए निकले हैं। हम जा रहे हैं महताब की नानों के घर, और इस दिन कुछ रेडी मैं ऐसे हुई थी और मुझे अपनी सेकंड डे की लुक भी बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, मैं सेकंड डे की लुक देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये ज़्यादा अच्छी थी, फर्स्ट डे की देखती हूँ तो वो कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। माशाल्लाह दोनों दिन मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था।
अच्छा भी हुआ था और लॉन्ग लास्टिंग भी था। आप लोग बताइएगा, आप लोग को मेरी फर्स्ट डे की लुक ज़्यादा अच्छी लगी या सेकेंड डे की लुक ज़्यादा अच्छी लगी। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।